हे गाइस, आज मैं ट्राई करने वाली हूँ फिज़ा अली का वायरल बोटॉक्स मास्क, जो कि मुझे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो चलें जी, इसको पहले बनाने का तरीका देख लेते हैं। एक चम्मच आप लोगों को चावलों का आटा चाहिए, एक अंडे की जर्दी चाहिए। तो अंडे की जर्दी में अगर थोड़ी बहुत सफ़ेदी आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। मैंने जस्ट अंडे की जर्दी ऐड की और हल्की सी सफ़ेदी आ गई है, जैसा कि फिज़ा अली ने बताया था कि आप इसमें मिक्स कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अंडे की जर्दी ही ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया, दोनों चीज़ों को जैसा कि उन्होंने मिक्स किया था। अच्छा, ये स्किन टाइटनिंग मास्क है, ये आपकी स्किन को यंग बना देता है। ऐसा लगता है कि 2-3-4 साल पीछे चली गई आपकी स्किन से रिंकल्स को ख़त्म करता है। जैसा कि उन्होंने बताया था कि वो हफ्ते में 3 बार यूज़ करती हैं, कहीं जाना हो तब भी वो ये यूज़ करती हैं, तो बहुत अच्छा मास्क है। अच्छा, इसमें हम हाफ लेमन ऐड करेंगे, ठीक है। लेमन हालांकि मेरी स्किन को सूट नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए देखें क्या क्या ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी रिक्वेस्ट थी तो यार मुझे तो ट्राई करना ही था। तो मैंने इसमें हाफ लेमन भी ऐड कर दिया, जैसा कि फिज़ा अली ने बताया था। अब मैं इसमें 2 चम्मच दही के ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और बस ये 4 चीज़ें आप लोगों ने मिक्स करनी है, मिक्स करके ये आपका जो मास्क है ना वो रेडी हो जाएगा और आपकी स्किन जो है ना वो तरोताज़ा यंग हो जाएगी इसको लगाते ही, जैसा कि फिज़ा अली की स्किन पर एकदम आप लोगों ने देखा होगा। अगर जिन जिन लोगों ने उनकी वीडियो देखी है तो उसमें काफ़ी ग्लो आ गया था, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्टर लगा दिया है। तो चलें जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मुझे ये इसलिए ट्राई करना था कि यार जैसा ग्लो उनके फेस पे आया था, मैं चाहती थी मेरे फेस पर भी आए। तो अभी आप मेरी स्किन की कंडीशन देख लें, हल्के से डार्क सर्कल्स भी नज़र आ रहे होंगे, थोड़े छोटे मोटे डार्क स्पॉट्स भी होंगे, तो गर्मी की वजह से यार बुरा हाल हुआ है आजकल, तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम इसको अप्लाई करेंगे अपने फेस के ऊपर ब्रश की मदद से। कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी ज़्यादा रनी है और यहाँ पर मैं सूंघ के देख रही हूँ कि इसकी स्मेल काफ़ी गंदी तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि बहुत गंदी सी स्मेल है, उल्टी आ जाती है, दिल ख़राब हो जाता है। लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि उन्होंने बताया था कि अगर इसमें लेमन ऐड कर देंगे तो अंडे की जो जर्दी की स्मेल है ना वो कम हो जाएगी। ऑब्वियसली ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन इतनी हो जाएगी कि आप लोगों को काबिले बर्दाश्त होगी, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही थी, ठीक है। और ये आप लोगों की स्किन को एकदम टाइट और ब्राइट कर देगा, वो कह रही थी कि ऐसा इफ़ेक्ट देगा जैसा कि फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि फेशियल करवा के आ गए आप लोग और रिंकल्स एकदम खत्म हो जाएंगे, स्किन ब्राइटन अप हो जाएगी। और वो हफ्ते में 3 बार इसको अप्लाई करती हैं, तो यार ये क्या ही जबरदस्त मास्क होगा जिसको फिज़ा अली यूज कर रही हैं। तो मैं भी बस ये वाले मैजिकल रिजल्ट्स देखना चाहती थी, तो मैंने कहा ये मास्क मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, यार इतने मैजिकल रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं किसी चीज़ से। तो बस इसलिए इसको अच्छा अप्लाई करने का ना इसको एक तरीका है, इसको यानी कि आप लोगों ने एक बार अप्लाई कर लिया फेस के ऊपर, जब ये हल्का सा ड्राई होना शुरू होगा, पूरा ड्राई नहीं करना आपने इसको, बिल्कुल अकड़ा नहीं लेना, जब हल्का सा ड्राई होगा तो आप लोगों ने इसको जो है एक लेयर और अप्लाई कर लेनी है इसके ऊपर। तो ये मैं वेट कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ी देर वेट करें, इसको थोड़ी देर ड्राई होने दें और 10 मिनट लगेंगे मे बी आप लोगों को, 10 मिनट में हल्का सा ड्राई हो जाएगा ये पूरा, वैसे भी ड्राई नहीं होगा, इसमें दही ऐड है। तो ये देख लें, अभी मैंने चेक किया तो हल्का हल्का भी गीला है, मेरी फिंगर पे आ रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ कुछ ड्राई हो गया, कुछ कुछ वेट है, ये वाला जो है ना अब ठीक है, आपने इसके ऊपर जो है एक दफ़ा और एक लेयर और अप्लाई कर लेनी है। तो अब यहाँ पर मैं एक और लेयर अप्लाई कर लूँगी। तो यार ये लेयर अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने यार कोशिश ये करनी है, ये मास्क अप्लाई करने के बाद बोलना नहीं है, जैसे कि उन्होंने कहा था, मुंह लटका के नहीं बैठना, रिंकल्स पड़ जाएंगे, ज़्यादा बातें नहीं करनी, बस इसको लगा के थोड़ी देर बैठे रहना है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा फुल ड्राई भी ना हो, बस हल्का सा ड्राई हो जाए तो आप लोगों ने इसको वॉश कर लेना। अब ये मैंने जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड पर चला दिया ताकि दूसरा वाला जो है वो जल्दी जल्दी अप्लाई हो जाए। ये दूसरी लेयर अप्लाई हो गई है और अब मेरे फेस की कंडीशन आप चेक कर लें। और अब हम यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं अप्लाई कर रही हूँ जो बची है, तो अम्मी के फेस पर भी अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि यार उनके फेस पे तो ज़्यादा रिंकल्स हैं, मेरे फेस पे थोड़े कम रिंकल्स होंगे, आई मीन रिंकल्स तो अभी नहीं है मेरे फेस पे, लेकिन हल्के फुल्के जो उनके फेस पे हैं रिंकल्स अम्मी के फेस पे, तो वहाँ पे सही रिज़ल्ट जो है वो पता चलेगा। तो यहाँ मैंने अम्मी के फेस पर भी अप्लाई करवा दिया और ये करवा रही हूँ, बल्कि उनके फेस पर मैंने कहा जो जल्दी से आप भी आपके फेस पर अप्लाई करके देखते हैं। तो यार ये हम अप्लाई कर लेंगे और अब हम देखेंगे कि हमारे चेहरों पे जादू होता है कि नहीं होता, मैजिक होता है कि नहीं होता। तो ये जल्दी जल्दी मैं अप्लाई कर रही हूँ फटाफट। तो यार मेरे फेस पे अब देख लें काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया, अब मैं धोने जा रही हूँ इसको और अब मैं धोकर आती हूँ और आप लोग रिजल्ट्स चेक करें।
जैसे ही मैं धो के आई, मैंने कैमरा में देखा, मुझे ऐसा लगा लिटरली यार, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई फेशियल करवा के आई हूँ। एकदम मेरी स्किन इतनी ब्राइट हो गई, इतना कलर फेयर हो गया मेरे फेस का। वाकई जब मैंने उनकी वीडियो में देखा था, मुझे बिल्कुल अमेजिंग वैसे ही रिजल्ट मिले हैं, सेम टू सेम जैसा कि उन्होंने दिखाए थे। तो आप चेक कर लें, आपके सामने ही। और ये मेरी अम्मी के फेस पर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, उनके फेस पर भी बहुत अच्छी सी ग्लो आ गई थी। बहुत बहुत अमेजिंग वर्क किया है इस मास्क ने। तो ये तो यार अमेजिंग मास्क है, इसको मैं हफ्ते में एक बार तो एटलीस्ट ज़रूर ट्राई किया करूँगी, अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। बहुत ज़बरदस्त ग्लो चेक कर रहे हैं आप मेरे फेस पे। और यार इतनी देर तक मैं अपना फेस ही देखती रही हूँ, इतना ज़्यादा ब्राइट हो गई थी मेरी स्किन, काफ़ी कलर भी फेयर लगने लगा था। तो यार ये मास्क बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से 10/10 है, ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करके कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया है। और मुझे अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ मैं लाइट में आके आपको फेस दिखा रही हूँ करीब से, ताकि आप देख सकें। तो लाइक कर देना वीडियो को, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।